सोशल मीडिया पर आरक्षण के खिलाफ किए गए सांकेतिक पोस्ट और पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर महिला के जहर खाने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और नारेबाजी की। कटनी जिले के बड़वारा क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आम जनसभा का आयोजन किया। सभा में पार्टी ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इसके साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह टेकाम के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय के लोगों ने बड़वारा मिशन चौक में धरना दिया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ हमला करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह टेकाम ने बताया कि सोशल मीडिया में आरक्षण को लेकर सांकेतिक पोस्ट अपलोड करने से आरक्षण का लाभ लेने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों की भावना आहत हुई है, जिसे लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद भी युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि एक और मामले में पुलिस की प्रताड़ना से फगुनिया बाई चौधरी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन जिम्मेदारों के खिलाफ अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया है। जो है सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक पोस्ट किया था, जो हमारे आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पे सांकेतिक पोस्ट किया था, उस पर हमारे समाज को भूमिल करने का काम किया। उस पर हमने गिरफ्तारी की मांग की है कि 18A के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हो और उस पर सख्त सख्त कार्रवाई जैसे मांग रखी है। और विगत दिनों अग्निबाई चौधरी का जो हत्याकांड हुआ था, उसमें अंकित मिश्रा के खिलाफ हमने मांग रखी है कि 18A और 306 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इस पूरे मामले पर SDM प्रिया चंद्रावत ने बताया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सभी बिंदुओं की जांच कर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में कुछ आपत्तिजनक चीजें पोस्ट की गई और साथ में कुछ अवैध शराब के संबंध में भी इनके द्वारा शिकायत हुई गई थी। उसके संबंध में इन्होंने आज ज्ञापन देकर के बताया है कि कृपया इस संबंध में कार्यवाही करें और उनके द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। सुसंगत तरीके से कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।